नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मैं आपके साथ रईस सिद्दीकी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों का आधार कार्ड प्राप्त कर फर्जी तरीके से एटीएम जारी कर किसान सम्मान निधि का रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वहीं थाना शक्ति पुलिस की कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड व नकदी भी प्राप्त की गई है। ये पिछली रात 21 तारीख की रात की घटना है। इसमें 4 आरोपी हैं जो यहाँ पर स्टेट बैंक में काफ़ी देर से रात में पैसा निकाल रहे थे, जिसको देखकर वहाँ के गार्ड को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर उन लड़कों से पूछताछ कर उनका तलाशी लिया। इनके पास से 288 एटीएम कार्ड यूनियन बैंक के और 4,95,800 रुपये बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि किसानों के नाम पर उनका आधार कार्ड के आधार पर खाता खोलते हैं और उनका एटीएम स्वयं रख लेते हैं, खाताधारकों को पता नहीं रहता है, और जब उनके खाते में पैसा आता है तो ये खुद उस पैसे को निकाल कर रख लेते हैं। इसको गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक बीरबा जाजवड़े, नवीन पटेल, आर अनिल श्रीवास का विशेष योगदान रहा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार से किसानों के पैसे का इनके द्वारा हेराफेरी किया जाता है। अभी वर्तमान में इनके खिलाफ सीआरपीसी के 41(4) के तहत कार्रवाई करके इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और बाकी खाताधारकों का डिटेल लिया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।